अब क्या करूं? घर तो ले नहीं जा सकती, सारा सरप्राइज ही धरा का धरा रह जाएगा। ड्राइवर, गाड़ी रोको तो। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुकवाई? माँ जी अभी घर नहीं जाएंगे। घर नहीं चलते तो कहाँ जाएंगे? अब घूमने चलते हैं ना। घूमने? लेकिन कहाँ घूमेंगे वैशाली? बच्चे लोग एंजॉय करने जा सकते हैं बाहर, हम लोग नहीं करेंगे। आज तो एंजॉय करना चाहिए ना। अच्छा बताओ कहाँ जाना है घूमने? अब कितनी सारी जगह है माँ जी। अब सबसे पहले हम लोग चलेंगे बंगाली मार्केट, गोलगप्पे बहुत पसंद है ना आपको वहाँ के। और फिर चलेंगे चांदनी चौक, माँ जी क्या जलेबियाँ थी वहाँ। अरे वाह, क्या याद दिला दिया तुमने। और माँ जी मुझे ना जनपद पे कुछ शॉपिंग करनी है। वैशाली उम्र मेरी हुई है लेकिन असर तुम पर हो रहा है। हा? अरे तुम तो 50 की भी नहीं हुई और अभी से सठी आ गई। चलिए ना माँ जी, अरे बहुत मजा आएगा। मुझे भी वो दिन याद आ जाएंगे जब मैं नई नवेली शादी होकर आई थी और हम लोग इकट्ठे घूमने जाया करते थे। कितना मजा आता था। अच्छा भाई चलो चलो, आज तुम्हारी मर्जी। चलो ड्राइवर ऐसा करो, बंगाली मार्केट की तरफ ले लो। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। चाय लीजिए। आप शाम को क्या बनने वाले हैं? मैं समझा नहीं बेटा। आज शाम की पार्टी टीम पार्टी है। मेरा मतलब थीम पार्टी। हाँ आज हम सब लोग 60 के दशक के हीरो हीरोइन जैसे बनने वाले हैं। बड़ा मजा आएगा, फूले फूले बाल, तंग तंग साड़ियाँ, तंग तंग पेंट, बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, आप हमसे ये क्या करवा रही हैं? बिटिया बड़ा अजीब लगेगा ऐसे तैयार होना तो। ऐसे फिल्मों जैसे तैयार तो हम तब भी नहीं हुए जब हमारी उम्र थी। ओफो माँ जी, ये तो हम दादी माँ को खुश करने के लिए कर रहे हैं, उन्हें अपनी जवानी के दिन याद कराने के लिए। आपको ऐसा करना ही होगा, दादी माँ ये देखकर बहुत खुश होंगी। ऐसा कुछ करने से शायद उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। अच्छा ठीक है। ये हुई ना बात, मैंने आप दोनों के लिए बहुत बढ़िया ड्रेस चुन के रखी है। और अम्मा जी आप ना ना ना, हमसे ना होवे गो। राधिका की खातिर तुम दोनों मस्करी करने को तैयार हो सकत हो, हम नहीं। अच्छा चलिए चलकर तैयार हो जाइए दादी माँ और ताई जी के आने के पहले। चलिए दादी माँ। ये कौन है? बधाई हम बिरजू। दादी माँ जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। जन्मदिन मुबारक दादी माँ। थैंक यू, बहुत सुंदर लग रही हो। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ जी, प्रणाम। धन्यवाद। तुम लोग सब कैसे तैयार हुए हो? दादी माँ यही तो हमारी पार्टी का थीम है, और वो देखिए सुशील चाचा को। हैप्पी बर्थडे चाची माँ। हम कैसे लग रहे हैं दादी माँ? बहुत अच्छे लग रहे हो तुम सब। समदिन जी आप तैयार नहीं हुई? अब मो कोई सजना धजना अच्छो ना लगे, हम तो बस आपको जन्मदिन की बधाई देने चली आई। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। सच बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग आए। दादी माँ अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, और याद रखिएगा पार्टी थीम इज द ग्लोरियस 60s। अरे नहीं बेटा, मुझे तो तू माफी कर। Come on, दादी माँ, be a sport. ये सब आपको आपकी युवा अवस्था के दिवस स्मरण कराने के लिए तैयार हुए हैं। आप भी तैयार हो जाइए माँ जी। हाँ दादी माँ, आज थोड़ा पागलपन
हो ही जाए। अरे बेटा आज सुबह से पागलपन ही तो हो रहा है। ये तेरी माँ, मुझे इस पार्टी की भनक ना लगे इसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा के ले आई। कनॉट प्लेस, बंगाली मार्केट, जनपद, पता नहीं कहाँ कहाँ गए हम। बस पुराने दिनों की याद आ गई। माँ जी तो बस पुराने दिनों को आप धूमिल मत होने दीजिए। चलिए ना, जैसे ये लोग तैयार हुए हैं वैसे ही चलकर तैयार हो जाइए। अरे पर हाँ दादी माँ, आ जाइए जल्दी। अरे माँ जी आइए बैठिए ना। नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। माँ जी आप तो सकुचा रही हैं। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। हाँ थोड़ी सकुचाहट तो हो रही है। बेटी के ससुराल में आए हैं, वो भी तब जब बेटी यहाँ नहीं है। तो माँ जी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, घर तो बेटी का ही है ना। वैसे भी यकीन मानिए राधिका भौजी को सब लोग यहाँ सिराखों पे रखते हैं। सब ठाकुर जी की कृपा है बेटा। और वैसे तुम भी तो अपनी भौजी का बहुत ध्यान रखते हो ना, वो बहुत मानती है तुम्हें। माँ जी आपसे एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ बोलो ना बेटा। माँ जी राधिका भौजी बहुत अच्छी हैं, पर साथ ही साथ बहुत भोली भी हैं। उन्हें इस भोलेपन में वो उन लोगों की मदद भी कर देती हैं जो इस मदद के लायक नहीं होते या फिर इस मदद की कदर नहीं करते। हम जब छोटे से थे ना तो हमने एक कहानी सुनी थी, एक हंस एक केकड़े की जान बचाने के लिए उसे सूखी झील से पानी से भरी झील तक लेके जा रहा था, पर रास्ते में ही अचानक उस केकड़े ने उस हंस का गला दबोच लिया। हंस कराहने लगा और कराहते कराहते उसने पूछा कि भाई मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? केकड़े ने उसे देखा और बोला कि मदद करना तुम्हारा स्वभाव है और काटना मेरा। माँ जी राधिका भौजी भी उसी हंस की तरह गलती कर रही हैं। अगर हो सके तो उन्हें तनिक समझाइएगा। हो ना हो ये बिरजू विशाखा के बारे में ही बात कर रहा है। हमने ही तो कही थी राधिका से कि विशाखा की मदद करियो। परफेक्ट, कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा आइटम किया तुम मियां बीवी ने। लगता है आजकल तुम्हें तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी लगने लगी, राइट? मृणालिनी भाभी, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। अब इसे आपसे ज्यादा अच्छा कौन समझेगा? ओह रियली, यू मीन टू से कि तुम्हें भी दिखावा करना पड़ रहा है, राइट? ऑफ कोर्स, बिल्कुल दिखावा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं हो जाती करना पड़ेगा ना। खैर बिरजू पे नजर रख रहे हैं आप या नहीं? ओ गॉश, फिर जो अम्मा जी से बातें कर रहा है मैं सुनकर आती हूँ। चाहिए चाहिए चाहिए। क्यों रे, का कह रहे थे बहुरिया से? काकी और राधिका ने कौन की मदद की है बता, बता मोको। कहीं विशाखा के बारे में कुछ बात कह रहा है? बोल कहाँ है विशाखा? राधिका उको मिलने गई थी का? था ना राधिका ने उनकी मदद की है का? राधिका विशाखा को यहां लेके आई थी? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।